राजधानी दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर लड़के ने तेजाब फेंका है। यह घटना दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सुबह 9 बजे के करीब की गई है। इस छात्रा को सफदरजंग अस्पताल भर्ती कराया गया है। आरोपी लड़के की लड़की से पहले से ही जान पहचान थी। लड़की 12वीं की छात्रा है। जब वह स्कूल जा रही थी तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा, द्वारका जिले के इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया है। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बच्ची को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि घटना के समय लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। उसने अपने परिचित 2 लोगों पर शक जताया है। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। थाना मोहन गार्डन इलाके में एक लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में सुबह करीब 9 बजे PCR कॉल आई। यहां कहा गया कि 17 साल की एक लड़की पर कथित तौर पर सुबह करीब 7:30 बजे 2 बाइक सवारों ने एसिड जैसे किसी पदार्थ का उपयोग करके हमला किया था। पुलिस ने कहा कि लड़की का इलाज चल रहा है और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वह स्थिर है। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता के माता पिता ने बताया कि छात्रा 17 साल की नाबालिग है। वह अपनी छोटी बहन के साथ सुबह 7:29 पर घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। परिवार ने बताया कि बच्चियां घर से कुछ दूरी पर ही पहुंची थी कि तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश लड़कों ने पीड़िता के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। वहीं परिवार के मुताबिक लड़की के चेहरे और आँखों में तेजाब गया है। पीड़िता ने कभी किसी लड़के द्वारा तंग करने की बात नहीं कही थी।